नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। टाइम एंड वर्क के जो कुछ और क्वेश्चन बचे थे, हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे कि वो सभी क्वेश्चन पूरे हो सके। चलिए शुरू करते हैं। ए एक काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिन में करता है। क्वेश्चन है, ए प्लस बी मिलकर 2 दिन काम करते हैं। ए और बी मिलकर 2 दिन काम करते हैं, फिर ए छोड़ देता है और सी और बी मिलकर, अब इसके बाद ए छोड़ देता है, अब सी और बी मिलकर बचे हुए काम को करते हैं, काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। पहला काम वही है, हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारे पास 120 आ गया, 8 से करेंगे तो 15, यहां 10 और यहां 8। पहली बार 2 दिन काम किया है ए प्लस बी ने, तो ए और बी की कैपेसिटी जोड़ेंगे, 25 आया, तो हमारे पास 2 दिन में काम हो गया 50 यूनिट। 120 में से 50 घटा देंगे, रिमेनिंग काम बचा है 70 यूनिट। अब बचे हुए काम को बी और सी करते हैं, यानी कि इनकी कैपेसिटी है 18 यूनिट। ये हो जाएगा आपका आंसर 70 बटे 18, 2 पे 9 और 35, 9 3 27, 3 से ही 8 बटे 9। पूछा गया था काम कितने दिन में समाप्त होगा, आपका आंसर रहेगा 2 दिन इन्होंने काम किया था, 3 से ही 8 बटे 3 इन्होंने, 2 प्लस 3 से ही 8 बटे 9 बराबर 5 से ही 8 बटे 9। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पी प्लस के वो मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं, पी प्लस क्या वो मिलकर एक काम को 6 दिन में करते हैं, क्या वो प्लस आर 60 बटे 7 दिन में करते हैं। पी 3 दिन तक कार्य करता है और बचा हुआ कार्य क्या वो प्लस आर 6 दिन में करते हैं, ध्यान से देखिएगा, पी 3 दिन तक कार्य करता है और बचे हुए कार्य को क्या वो प्लस आर 6 दिन तक करते हैं। R और P द्वारा कार्य करने में कितने दिन का अंतर होगा, R और P द्वारा कार्य करने में कितने दिन का अंतर होगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन क्रिएट कर दी है, लेकिन घबराना नहीं है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पहले करते आए हैं। हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 7, तो यहां से इन दोनों की कैपेसिटी आ जाएगी 10 और इन दोनों की कैपेसिटी आ जाएगी 7। अब उसने कंडीशन लगाई थी कि पी 3 दिन तक कार्य करता है और बचा हुआ कार्य क्यू और आर 6 दिन में कर देते हैं, यानी कि क्यू और आर ने 6 दिन काम किया था, तो क्यू प्लस आर जिनकी कैपेसिटी 7 यूनिट है उनके 6 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 42 यूनिट। टोटल वर्क हमारे पास कितना था, 60 यूनिट, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क बचेगा 60 - 42 = 18, यानी कि ये जो काम है ये पी ने 3 दिन में किया था, इसका मतलब पी की जो कैपेसिटी आएगी वो कितनी आएगी, पी कैपेसिटी वो रहेगी 18 बटे 3 6, यानी कि पी की कैपेसिटी कितनी है 6। हमने जो आंसर करना है वो क्या है, आर और पी द्वारा कार्य करने में कितने दिन का अंतर रहने वाला है। हमें पी की कैपेसिटी मिल गई है, हमें आर की कैपेसिटी चाहिए, उसके लिए हमें क्यू की पता होनी चाहिए, क्यू यहां से पता चल जाएगा, पी प्लस क्यू की कैपेसिटी कितनी है 10 यूनिट, पी की कैपेसिटी है 6, तो क्यू की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 10 - 6 = 4 और आर की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 7 - 4 = 3। तो ये तीनों की अलग अलग कैपेसिटी आपके पास आ चुकी है, 6, 4 और 3। अब उसका जो क्वेश्चन है कि P और R के द्वारा कार्य करने में कितना अंतर है, अब P की कैपेसिटी है 6, टोटल यूनिट है 7, तो P कितने दिन में करेगा, 60 बटा 6 10 दिन में, और R की कैपेसिटी है 3, R कितने दिन में करेगा 60 बटा 3 20 दिन में, तो दोनों का अंतर कितना है 10 दिन। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जरूर उसने क्रिएट की थी, लेकिन
अगर हम ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आपके पास पहले चलता रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो इस क्वेश्चन का फॉर्मूला रहेगा MDH बटे W इज इक्वल टू MDH बटे W। 90 व्यक्ति 12 घंटे के हिसाब से एक काम को 16 दिन में करते हैं। 70 व्यक्ति 8 घंटे के हिसाब से 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा करें। आपने M की जगह पे 90, H 12 और ये 16 बटे वर्ग एक हम मान लेते हैं। 70 × 8 × 24/D यहां का वर्ग हमने निकालना है। तो सिंपल है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। W इज इक्वल टू 70 × 8 × 24/90 = 12 × 16। 2 × 12 = 12 × 0 = 0 यानी कि 7/9 हिस्सा काम का वो कर देते हैं। MDH बटे W ये इंडिकेशंस है, मैन बी डेज एच आवर्स और W वर्क। और ये इस तरह से जो प्रश्न आते हैं अक्सर आप पर यूज हो जाता है फॉर्मूला, बहुत इजीली वो क्वेश्चन इसमें निकल जाता है। 15 व्यक्ति ये काम को 16 दिन में करते हैं तो 24 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे MDH बटे W। 15 × 16 आवर्स दे नहीं रखे उसको छोड़ सकते हैं, और इसके बाद 24 × x/1 तो 15 × 16/24 = x। 8 × 16 8 × 24 = 3×15 10 = x। बहुत ही सिंपली आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। इसी क्वेश्चन को वैसे पूछ सकता है, कुछ व्यक्ति 45 दिन काम करते हैं, एमजेक्स व्यक्ति 45 दिन, 4 व्यक्ति कम हो जाए, एक्स माइनस 4 रह जाएगा, तो काम 60 दिन में होगा। तो बताइए शुरू में व्यक्तियों की संख्या कितनी है। फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x × 45/1 = x − 4 × 60/1। ये हो जाएगा आपका x × 45 = 60 × x − 240। चेंज कर लेंगे, 45x − 60x = 240। यहां से आपके पास आ जाएगा −15x − 240। x = 240/15 तो 3×15 ये 80, ये 16। तो शुरू में व्यक्तियों की संख्या कितने थी, 16। दो प्रश्न और हैं, मैंने दोनों को भी पहले ही सॉल्व कर दिया है क्योंकि दोनों ही एक जैसे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, आप उस डिफरेंस को समझेंगे तो इजीली आपको दोनों ही समझ में आ जाएंगे। जैसे पहले वो पूछता है कि 3 men या 5 women, मतलब दोनों में से एक, या तो 3 men या तो 5 women एक काम को 43 दिन में करते हैं। 5 men व 6 women, यह व का मतलब है साथ मिलकर, कि 5 आदमी और 6 औरतें इकट्ठे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 3 men = 5 women यानी कि 3 आदमी 5 औरतों के बराबर है। इस टाइप के क्वेश्चंस में ये गिवन होता है।